नेक्स्ट इज होस्ट. होस्ट मीन्स द पर्सन, द मैन हु वेलकम्स द गेस्ट. जो गेस्ट को वेलकम करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं. एंड इफ इट इज अ मेल, इफ इट इज अ बॉय, इट कम्स अंडर मस्कुलाइन जेंडर. ये मस्कुलाइन जेंडर में होस्ट आते. एंड इन फेमिनाइन जेंडर होस्टेस. हैव यू हर्ड एयर होस्टेस की? इन द प्लेन द वुमन हु वेलकम्स पैसेंजर, शी इज एयर होस्टेस. ऐसा है, एयर होस्टेस इज फेमिनाइन, होस्ट इज मस्कुलाइन. फेमिनाइन मीन्स फीमेल एंड मस्कुलाइन मीन्स मेल. अंडरस्टूड? नाउ सी ऑन पेज नंबर 19. रीड दीज वर्ड्स. नाउ यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स. फ्रेंड, स्टूडेंट एंड चाइल्ड. दीज वर्ड्स कैन रेफर टू आइदर मेल्स और फीमेल्स. फॉर मीन्स वी यूज दिस वर्ड फॉर मेल्स ऑल्सो एंड फीमेल्स ऑल्सो. नाउन्स दैट कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेट टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. दिस टर्म ऑल्सो वी हैव लर्नड इन लास्ट स्टैंडर्ड, कॉमन जेंडर. दैट मीन्स द वर्ड वी कैन यूज फॉर बोथ जेंडर. बॉय और गर्ल के लिए भी हम फ्रेंड यूज करेंगे. फ्रेंड, स्टूडेंट, आई, यू आर ऑल माई स्टूडेंट. इसमें बॉयज भी आएंगे या गर्ल्स, एंड गर्ल्स ऑल्सो केम. एंड चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा. वो बॉय भी हो सकता है एंड इट विल बी ऑल्सो गर्ल ऑल्सो. Nouns that can be used for both males and females are said to be of the common gender. Listen again. Nouns that can be used for both males and females are said to be of the common gender. ऐसे जो nouns होते हैं that used for both males and females, both males means boy and females means girl. We used these nouns for both males and females are said to be common gender. हम उन्हें common gender कहेंगे. Now see, find 10 nouns of the common gender in this word grid. Here is a one word grid and you have to find 10 nouns of common gender. So I have found it. Now see, first is cousins. Cousins, this is word, this is name for common gender. Cousins, cousins means in Marathi we called chulat bhau, kyo chulat bhain. For both we use cousins word. Then infant, what? Infant, infant